हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों की रचना किस प्रकार की जाती है वो सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं खेल रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे कहेंगे इंग्लिश में वी आर रीडिंग। आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग। राजू आ रहा है, राजू इज कमिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई के साथ एम आएगा, थर्ड पर्सन अकेला होगा तो इज आएगा, और बाकी सभी केसेस में आर आएगा। सो राजू थर्ड पर्सन है, अकेला है, इसलिए राजू इज कमिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू और अमित दौड़ रहे हैं। राजू एंड अमित आर रनिंग। थर्ड पर्सन है, अकेला नहीं है, इसलिए इज नहीं आया, यहाँ पर आर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बुला रहा है, ही इज कॉलिंग। थर्ड पर्सन अकेला है, इज आ गया। अगला प्रश्न है, वो लोग गिन रहे हैं, दे आर काउंटिंग। वो लोग थर्ड पर्सन है लेकिन अकेला नहीं है, इसलिए इज नहीं आया, यहाँ पर आर आ गया। अगला क्वेश्चन है, वो गा रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज सिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता सीख रही है, गीता इज लर्निंग। गीता और मीना लड़ रहे हैं, तो गीता एंड मीना आर क्वारलिंग। सो अफर्मेटिव के बाद हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या मैं खेल रहा हूँ? आंसर आएगा एम आई प्लेइंग। अब यहाँ पर दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी एम, इज और आर। तो यहाँ पर जो एम, इज, आर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसे वाक्य में सबसे पहले ले लेना है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है एम, तो हमें एम को पहले लेना है, एम आई प्लेइंग। नेक्स्ट है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो हमें आर को पहले ले लेना है, तो यहाँ पर आंसर है आर वी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग। नेक्स्ट, क्या राजू आ रहा है? इज राजू कमिंग। आगे है, क्या राजू और अमित दौड़ रहे हैं? आर राजू एंड अमित रनिंग। क्या वो बुला रहा है? इज ही कॉलिंग। क्या वो लोग गिन रहे हैं? आर दे काउंटिंग। क्या वह गा रही है? इज शी सिंगिंग। क्या गीता सीख रही है? इज गीता लर्निंग। क्या गीता और मीना लड़ रहे हैं? आर गीता एंड मीना क्वारलिंग। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब उसे वाक्य के पहले ले लिया जाता है और वाक्य की रचना की जाती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग। हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग। आप नहीं लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग। राजू नहीं आ रहा है। राजू इज नॉट कमिंग। राजू और अमित नहीं दौड़ रहे हैं। राजू एंड अमित आर नॉट रनिंग। वो नहीं बुला रहा है। ही इज नॉट कॉलिंग। वो लोग नहीं गिन रहे हैं। दे आर नॉट काउंटिंग। वह नहीं गा रही है। शी इज नॉट सिंगिंग। गीता नहीं सीख रही है। गीता इज नॉट लर्निंग। गीता और मीना नहीं लड़ रहे हैं। गीता एंड मीना आर नॉट क्वारलिंग। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग आ जाता है, तो यहाँ पर सभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा और वाक्य की रचना की जाएगी। अगला और आखिरी सेंटेंस हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ? एम आई नॉट प्लेइंग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को वाक्य रचना में सबसे पहले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं? आर वी नॉट रीडिंग? क्या आप नहीं लिख रहे हैं? आर यू नॉट राइटिंग? क्या राजू नहीं आ रहा है? इज राजू नॉट कमिंग? क्या राजू और अमित नहीं दौड़ रहे हैं? आर राजू एंड अमित नॉट रनिंग? क्या वह नहीं बुला रहा है? इज ही नॉट कॉलिंग? क्या वो लोग नहीं गिन रहे हैं? आर दे नॉट काउंटिंग? क्या वह नहीं गा रही है? इज शी नॉट सिंगिंग? क्या गीता नहीं सीख रही है? इज गीता नॉट लर्निंग? क्या गीता और मीना नहीं लड़ रहे हैं? आर गीता एंड मीना नॉट कॉर्लिंग? इसके बाद आइए दोस्तों, हम लोग कुछ इंटरगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। हमारा आपसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम द स्टेशन? आपका घर स्टेशन से कितनी दूरी पे है? यदि आपको बोलना कि मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो माई हाउस इज़ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। यदि आपको ऐसा बोलना है कि मेरा घर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे है, तो आपको बोलना है माई हाउस इज़ विद इन 5 मिनट्स फ्रॉम द स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, एट विच रोड डू यू लिव? आप कौन से रोड पे रहते हैं? आपको यहाँ पर रोड का नाम बताना है, तो आई लिव एट कैनॉट प्लेस रोड। वॉट इज़ योर हॉबी? आपका छंद क्या है? सो यदि मेरा छंद पुराने गाने सुनने का है, तो माई हॉबी इज लिसनिंग ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स। विच इज़ योर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज़ पिंक। बाई वॉट डू यू कम हीयर? यूँ समझिए कि आप मेरे पास क्लास में रोज़ पढ़ने आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मेरे क्लास में रोज़ कैसे आते हैं। तो बाई वॉट डू यू कम हीयर? किस वाहन से आप आते हैं? तो आई कम हीयर बाई मोटरसाइकिल, या आई कम हीयर बाई कार, जीप, बस, ट्रेन, एट्सेट्रा। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हीयर? आपको यहाँ पर आने के लिए कितना समय लगता है? सो यदि आपको 10 मिनट लगता है, तो आई टेक 10 मिनट्स टू कम हीयर। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस क्लास? आपको मेरे क्लास के बारे में किसने जानकारी दी? सो यदि आपको बोलना है कि दोस्त ने जानकारी दी, तो आई केम टू नो अबाउट दिस क्लास बाय माई फ्रेंड। या तो फिर आपको प्रचार या एडवर्टाइज से पता चला, तो आई केम टू नो अबाउट दिस क्लास बाय एडवर्टाइजमेंट। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? यहाँ पे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना है, तो माई बेस्ट फ्रेंड इज अमित। वॉट डज ही डू? वो क्या करता है? ही इज डूइंग जॉब। हाउ ओल्ड इज ही? ही इज 25 ईयर्स ओल्ड। वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहते हैं? ही लिव्स इन न्यू दिल्ली। आप उन्हें आखिरी बार कब मिले? When did you see him last? So जैसे मैं 10 दिन पहले मिला, तो I saw him before 10 days। या आपको ऐसा बोलना है कि मैं उन्हें 15 दिन पहले मिला, तो I saw him before fortnight। What does his father do? उनके पापा क्या करते हैं? He is doing business। उनके पापा business करते हैं। Is he married? क्या आपके दोस्त की शादी हो चुकी है? Yes, he is married। यहाँ पर यदि आपको बोलना है कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो ही इज़ बैचलर। जेंट्स में ही इज़ बैचलर कहेंगे, यानी वह कुंवारा है, और लेडीज़ में यानी वो कुंवारी है, तो उसे कहेंगे शी इज़ स्पिनस्टर। यदि आपको क्वेश्चन पूछना है वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों है, वाई इज़ ही योर बेस्ट फ्रेंड, तो मुझे ये जवाब कहना है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि मुझे उनका स्वभाव पसंद है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज आई लाइक हिज नेचर। What is your aim? आपका लक्ष्य क्या है? So my aim is to speak fluent English। मेरा लक्ष्य फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है। यदि आपको ये कहना कि मेरा लक्ष्य टीचर बनने का है, तो my aim is to become teacher। या तो फिर मेरा aim डॉक्टर बनना है, तो my aim is to become a doctor। मेरा aim अच्छा इंसान बनना है, तो my aim is to become a good human being। मेरा लक्ष्य सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो माई एम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? यदि आपको बोलना है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? माई फेवरेट एक्टर इज़ अमिताभ बच्चन। वॉट डू यू लाइक इन हिम? आई लाइक हिज एक्टिंग।
यदि आपको बोलना है कि उनका डायलॉग बोलने का स्टाइल मुझे पसंद है तो आई लाइक हिज डायलॉग डिलीवरी। यदि आपको ऐसा बोलना है कि मुझे उनकी छवि पसंद है तो आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। विच ऑफ हिज मूवी डिड यू लाइक मोस्टली, आपको उनकी सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी पसंद है, तो आई लाइक्ड हिज मोस्टली अमर अकबर एंथनी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ योर फेवरेट एक्ट्रेस, माई फेवरेट एक्ट्रेस इज माधुरी दीक्षित। वॉट डू यू लाइक इन हर, आई लाइक हर स्टाइल, यानी मुझे उसकी अदा पसंद है। विच ऑफ हर मूवी डिड यू लाइक मोस्टली, तो आई लाइक्ड हर मोस्टली तेजाब। दोस्तों, जेंट्स में जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझे अक्षय कुमार जी की बॉडी अच्छी लगती है, तो उसे बॉडी न कहकर हम उन्हें बोलते हैं कि आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। वैसे ही लेडीज़ में, यानी आपकी जो कोई फेवरेट एक्ट्रेस है उसकी आपको बॉडी अच्छी लगती है, तो आपको यहाँ पर बोलना है आई लाइक हर फीचर्स। चालू लैंग्वेज में इसे कई लोग फिगर कहते हैं, लेकिन फिगर ना कहकर हमें फीचर्स कहना है। इंट्रोगेशन सीखने के बाद हम एडवांस इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में कहते हैं द जेनरस विल टेक द ब्राइड। जेनरस यानी दिलदार और ब्राइड यानी दुल्हन। मुझे चक्कर आ रही है तो आई एम फीलिंग गिडी। वो बेहोश हो गया, ही फेल अनकॉन्शियस। वो होश में आ गया, ही केम टू सेंसेस। लाइट चली गई तो देर इज पावर फेलियर। लाइट आ गई, द पावर इज रिस्टोर्ड। आपने उस लड़के को काफ़ी सर पे चढ़ा के रखा है। यू हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू दिस बॉय। आजकल एसी धड़ाधड़ बिक रहे हैं। नाउडेज एसीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सही समय पर काम करने से सफलता मिलती है। टेक द टाइम बाय 4 o'clock एंड द सक्सेस इज योर्स। आजकल उसकी चांदी है। ही इज मेकिंग मैरी दीज डेज। चोर को रंगे हाथों पकड़ा, द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। दोस्तों, अब हम लोग चैटिंग करते हैं। चैटिंग यानी आप तो जानते ही हैं, आपस में गप्पे मारना। तो आज का हमारा विषय है टीवी। आज हम टीवी के बारे में बातें करेंगे। तो क्या आप टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डू यू वॉच शब्द का इस्तेमाल किया है, सी नहीं कहा गया है। हम लोग स्क्रीन पर जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए वॉच शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग हमारी बिल्डिंगों में वॉचमैन रखते हैं, सी मैन नहीं, वॉच मैन यानि ध्यान से देख रेख करने वाला व्यक्ति। सो डू यू वॉच टीवी? यस, आई वॉच टीवी। व्हेन डू यू वॉच टीवी? जब मैं फ्री रहता हूँ तब टीवी देखता हूँ। तो आई वॉच टीवी व्हेन आई एम फ्री। या मैं टीवी शाम को 9 o'clock देखता हूँ तो आई वॉच टीवी एट 9 p.m. हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी? आप टीवी कितने समय के लिए देखते हैं? सो मैं टीवी 1 hour देखता हूँ तो आई वॉच टीवी फॉर 1 hour। आप टीवी पे क्या देखते हैं? व्हाट डू यू वॉच ऑन टीवी? आई वॉच सीरियल्स ऑन टीवी। विच सीरियल डू यू वॉच? आई वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हु आर द कास्ट इन दिस सीरियल? कास्ट यानी पात्र। द कास्ट इन दिस सीरियल आर जेठालाल, दया, टप्पू, बापूजी एंड सो ऑन। एट वॉट टाइम इज दिस सीरियल एयर्ड? या एट वॉट टाइम इज दिस सीरियल टेलीकास्ट? यानी इस सीरियल का कितने बजे प्रसारण होता है? सो दिस सीरियल इज टेलीकास्ट एट 9 p.m. ऑन विच चैनल इज दिस सीरियल टेलीकास्ट? दिस सीरियल इज टेलीकास्ट ऑन सोनी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग दिस सीरियल? यानी आप यह सीरियल कब से देख रहे हैं? तो आपको बोलना है मैं 2 years से देख रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल फॉर 2 years। यदि आप ऐसे बोलते कि मैं यह सीरियल 2018 से देख रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉचिंग दिस सीरियल सिंस 2018। विद होम डू यू वॉच दिस सीरियल? यह सीरियल आप किसके साथ देखते हैं? तो आई वॉच दिस सीरियल विद माई सिस्टर। डू यू वॉच दिस सीरियल आफ्टर टेकिंग डिनर और व्हाइल टेकिंग डिनर?
क्या आप यह सीरियल डिनर लेने के बाद देखते हैं या डिनर लेते लेते देखते हैं? सो आई वॉच दिस सीरियल व्हाइल टेकिंग डिनर, मैं यह सीरियल डिनर लेते समय देखता हूँ। वॉट डू यू लाइक इन दिस सीरियल, आपको यह सीरियल में क्या पसंद है? तो आई लाइक कॉमेडी इन दिस सीरियल। हुज एक्टिंग डू यू लाइक मोस्ट इन दिस सीरियल, आपको इसमें ज़्यादा एक्टिंग किसकी पसंद है? तो आई मोस्टली लाइक जेठालाल्स एक्टिंग इन दिस सीरियल। आफ्टर वॉचिंग दिस सीरियल वॉट डू यू डू, यह सीरियल देखने के बाद आप क्या करते हैं? सो मैं यह सीरियल देखने के बाद सो जाता हूँ। तो आफ्टर वॉचिंग दिस सीरियल आई गो टू स्लीप, या इस सीरियल को देखने के बाद मैं टहलने जाता हूँ। तो आफ्टर वॉचिंग दिस सीरियल आई गो फॉर स्ट्रोलिंग। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस सीरियल, आपको इस सीरियल के बारे में किसने जानकारी दी? तो मुझे मेरे दोस्तों ने जानकारी दी। तो आई केम टू नो अबाउट दिस सीरियल बाय माय फ्रेंड। ऑन विच डे इज दिस सीरियल टेलीकास्ट, सो यह सीरियल कौन से दिन आता है? तो दिस सीरियल इज टेलीकास्ट ऑन मंडे, ट्यूजडे एंड वेनसडे। बिसाइड्स दिस सीरियल व्हाट डू यू लाइक टू वॉच, इस सीरियल के अलावा आप क्या देखना पसंद करते हैं? तो बिसाइड्स दिस सीरियल आई लाइक टू वॉच ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स एंड ओल्ड मूवीज। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ दिस सीरियल डिड यू वॉच टिल डेट, यानी आज तक आपने यह सीरियल के कितने एपिसोड्स देखे हैं? आज तक मैंने इस सीरियल के 100 एपिसोड्स देखे हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई हैव वॉच्ड 100 एपिसोड्स ऑफ दिस सीरियल। आर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी, क्या आप टीवी पे न्यूज़ देखने के शौकीन हैं? यस आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग न्यूज़ ऑन टीवी। विच न्यूज़ चैनल डू यू लाइक टू वॉच, आई लाइक टू वॉच आज तक। वुड यू लाइक टू परफॉर्म इन टीवी सीरियल्स इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, यदि आपको अवसर मिलता है, यदि आपको मौका मिलता है, तो क्या आप टीवी सीरियल में अभिनय करना पसंद करेंगे? तो यस आई वुड लाइक टू एक्ट और आई वुड लाइक टू परफॉर्म इन टीवी सीरियल इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जिनके बारे में आज हम लोगों ने आपस में चैटिंग की। आए दोस्तों, इसके बाद हम लोग कुछ जानकारियाँ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में इकट्ठा करते हैं। सो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट डू वी कॉल टू द प्लेस बिटवीन नोज एंड अपर लिप, हमारा अपर लिप यानी ऊपरी जो होंठ है उसके और हमारे नाक के बीच के हिस्से को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सो द प्लेस बिटवीन नोज एंड द अपर लिप इन इंग्लिश इज कॉल्ड फिल्ट्रम, अंग्रेजी में उसे फिल्ट्रम कहते हैं। क्या आपको पता है मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? डू यू नो व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन आई, सो द वेट ऑफ ह्यूमन आई इज 7.5 grams, मनुष्य की आंखों का वजन 7.5 grams होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग शेड्यूल नरेशन यानी हमारे पूरे दिनचर्या की कुछ एक्टिविटीज जान लेते हैं। दोस्तों, दिनचर्या में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं वो सीखते हैं। मैं यहाँ पर हमारे पिछले वीडियो में जो एक्टिविटीज़ बताई थी उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया हमारा पिछला वीडियो देखें ताकि वो शेड्यूल नरेशन में कंटिन्यू रूप से इसे सीख सकें। तो हमारा आखिरी सेंटेंस था मेरे पिछले वीडियो में, आई टेक टंग क्लीनर एंड आई क्लीन माई टंग, उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। After that, I take a big bowl and I keep it under the tap. उसके बाद मैं एक टोप लेता हूँ और उसे नल के नीचे रखता हूँ। I turn the tap on, फिर मैं नल खोलता हूँ। I fill the bowl to my need, मैं मेरी ज़रूरत के अनुसार टोप को भरता हूँ। And I take it to the kitchen, फिर मैं उसे किचन में ले जाता हूँ। Then I turn the knob on of the gas burner, फिर मैं गैस बर्नर का जो नॉब यानी जो बटन होती है उसे मैं चालू करता हूँ। एंड आई टेक अ लाइटर एंड आई लाइट द गैस बर्नर विद द हेल्प ऑफ लाइटर, फिर मैं गैस के बर्नर को लाइटर की मदद से जलाता हूँ। एंड आई प्लेस द बोल ऑन द गैस बर्नर एंड आई हीट द वाटर टू माई नीड, फिर मैं
पानी से भरे हुए टोप को गैस बर्नर पर रख देता हूँ और उसे अपनी ज़रूरत के अनुसार गर्म करता हूँ। When the water is hot enough, I turn the knob off of the gas burner. जब पानी मेरी ज़रूरत के अनुसार गर्म हो जाता है तो मैं गैस का बटन टर्न कर देता हूँ और गैस बर्नर बंद कर देता हूँ। I take a vise and I hold the bowl and I take it to the washroom. मैं पकड़ लेता हूँ और उसकी सहायता से टोप को पकड़ता हूँ क्योंकि टोप गर्म है और उसे वॉशरूम यानी बाथरूम में ले जाता हूँ। तो शेड्यूल नर्स में आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे, आगे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। सो दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो का पहुंचे और कृपया अपने दोस्तों में से शेयर करना न भूलें। गुड बाय, जय हिंद।